हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चालू होगी, स्टार्ट होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होने वाला है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें मैं आपको राष्ट्रकूटाज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। साथ ही साथ भक्तिज़्म एंड सूफिज़्म के भी क्वेश्चन हमने कुछ लाए हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने सर कौन से टॉपिक कवर कर लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में और कौन से टॉपिक आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंशियंट और मेडिवल सीरीज़ हमारी जो हिस्ट्री की चालू थी वो पूरी डल चुकी है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, आप लोग ज़रूर उसे देखिए। साथ ही साथ आपके लिए अब पॉलिटी के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स जो होते हैं वो पॉलिटी के आने वाले हैं आकार फाउंडेशन के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कल से आपके लिए पॉलिटी के भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत, हमने देखा विजयनगर एंड बहामनी, हमने देखा मुगल एम्पायर, डेक्कन एंड साउथ इंडिया, द मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखा, पालास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज हम आज देखेंगे, और अदर में कुछ टॉपिक थे, दैट इज भक्तिज्म, सूफिज्म, ये आज हम लोग कवर करने के। सर ये कवर करने के बाद कैसा क्या हमारा है? तो कल से आप लोग तो पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, अब पॉलिटी के बाद तुरंत आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या साथ ही साथ जैसा भी हो पाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चंस बेटा मिलने लग जाएंगे। इनडायरेक्टली सर बोलना क्या चाह रहे हैं? सर यही बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास पूरे वीडियोस अवेलेबल है, प्लीज़ आप लोगों को अब देखना और पढ़ाई करने का। तो बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज राष्ट्रकूटाज। आइए, पालास, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। कल मैंने स्टार्ट करवाया था, कुछ एक दो क्वेश्चंस हमने देखे थे, लेकिन ठीक है आज पहले से हम लोग देखते हैं। चलिए आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे, ये कल भी हमने सॉल्व किया था। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी के सबसे पहले किंग कौन थे? सो व्हाट शुड बी द आंसर? कल ही हमने देखा था इसका करेक्ट आंसर था गोपाला, दैट इज वन। गोपाला इज द फर्स्ट, वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाल डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल फ्रॉम 8th टू 12th सेंचुरी। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है गोविंद पाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। जो गोविंद पाल थे वो लास्ट रूलर थे पाला डायनेस्टी के। थर्ड स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है पाल डायनेस्टी वॉज अ स्टंच फॉलोअर ऑफ दिगंबर। ये क्वेश्चन भी हमने शायद देखा था, ये क्वेश्चन भी देखा था। एंड टेंट्रिक स्कूल ऑफ जैनिज्म, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वन ओनली, वन एंड थ्री, वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वन एंड टू, वन एंड टू। पाला डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल, करेक्ट है, 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। गोविंद पाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर गोविंद पाल थे। बट सर थर्ड वाले स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्यों गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है क्या बेटा? अभी गलत पूछा नहीं है, लेकिन हमको एक्सप्लेनेशन जानना तो पड़ेगा ना कि क्यों गलत है। तो आइए, बिकॉज पाला डायनेस्टी वॉज अ स्टंच फॉलोअर ऑफ महायान। मैंने आपको बताया था हीनायान एंड महायान, ये दोनों भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म से रिलेटेड दो सेक्ट, पहला हीनायान, दूसरा महायान। जैसे सेम इधर जैनिज्म में भी हम अगर बांटे तो जैनिज्म में भी दो, श्वेतांबर एंड दिगंबर। अरे हाँ कि नहीं? ऐसे सेक्ट होते हैं सभी कल्चर में, सभी रिलीजन में कुछ ना कुछ बटे हुए। मैंने आपको बताया था ये ऐसी पूरी जड़ें निकली हुई है, अलग 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 अलग, धर्म एक ही है, कास्ट अलग 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 है। वैसे ये कास्ट हम बोल सकते हैं, कास्ट नहीं लेकिन एक सेक्ट है जो अलग चीज़ों को मानता है, ये सेक्ट अलग चीज़ों को मानता है, तो ये अलग चीज़ों को, एक है जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते, एक जो है वो मूर्ति पूजा पे विश्वास रखता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पे महायान बुद्धिज्म, सॉरी महायान एंड टेंट्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड द क्रिएटेड द एनवायरनमेंट फॉर द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इंक्लूड द सोमपुर महावीरा। ये जैनिज्म को फॉलो नहीं करते थे, ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट,
who founded the famous Vikramshila University in the 9th century? किसके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई? Who founded? सामंत सेना, धर्मपाल, गोपाल, बल्लाल सेना. भल्लाल देव, I am not talking about बाहुबली right now, okay? भल्लाल सेना, not महासेना. बाहुबली वाली एंटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे. चलिए, so what should be the answer? The correct answer is धर्मपाल. The correct answer is धर्मपाल. दो मिनट, हमने इसके पहले धर्मपाल देखा था, है ना? शायद फोटो देखा था उनकी. दो मिनट देख लेते हैं क्या. मैंने फोटो लेके आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, ये ऐसा कुछ तो भी. धर्मपाल जी की इमेज. इन्होंने बोलते धर्मपाल ने ही कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये यूनिवर्सिटी ऐसी कुछ दिखती होगी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. ऐसा कुछ तो भी है भैया. और हमारी आज की यूनिवर्सिटी देखो, पहले के टाइम पे यूनिवर्सिटी देखो कैसी हुआ करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेयर फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पाल डायनेस्टी. पहला स्टेटमेंट बोलता है. दूसरा स्टेटमेंट, नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेयर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाल एम्पायर. नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर थे ड्यूरिंग पाला के टाइम पे. आज हम लोग बात करेंगे नागपुर में कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है. राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी. अब कई बच्चे एडमिशन लेते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद यशवंत राव चौहान. अरे लेते हो कि नहीं लेते हो? लेकिन सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी का नाम आता है नागपुर शहर में तो कौन सी यूनिवर्सिटी होती है कृणाली? वो राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी, दैट इज RTMNU. चलिए, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है भी है हमारे नागपुर की. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, नाइदर वन नॉर टू, ऑल ऑफ दी अबव. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, करेक्ट आंसर इज दी, ऑल ऑफ दी अबव. सर ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है. क्यों? नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेयर फाउंडेड किनके टाइम पे फाउंडेड? ड्यूरिंग द रेन ऑफ पाल डायनेस्टी. एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ये बहुत पेट्रॉन थे एजुकेशन के, इसलिए तो इनके टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली ना, जो तो आज भी है. नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला आप जाओगे तो देखने मिलेगी आपको, कुछ कुछ रुइंस है उसके. बहुत बढ़िया. सेकेंड, नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेयर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे लर्निंग के इन इंडिया ड्यूरिंग किसके टाइम पे? ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी के टाइम पे. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंडेल डायनेस्टी? चंडेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? धंगदेव, नानुक, यशोवर्मन, हर्षवर्मन. दो सेकंड का क्वेश्चन है भाई, तुरंत मेरे को आंसर दे बैठे बैठे वहां पे जल्दी. फर्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंडेल डायनेस्टी? सो वॉट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज नानुक, दैट इज 2. नानुक जो थे वो चंडेल डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे. वन डे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपको, यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि चंडेल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे. नानुक इज द करेक्ट आंसर. हाँ, प्रतिहारा डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा ये है. मतलब इफ हम लोग ड्रॉ करेंगे थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है तो उसको प्लीज माफ कीजिएगा. ये मैप बनाते आना चाहिए आपको. हाँ, इफ अगर मैप बनाना नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि भारत का मैप बनाते आपको आना चाहिए. थोड़ा सा लग रहा है ना, वैसे थोड़ा सा लग रहा है ना. चलो ठीक है, प्रतिहारा डायनेस्टी की हम अगर बात करें तो इस साइड में आपको थोड़ा सा वो प्रतिहारा डायनेस्टी देखने को मिलती है, गुर्जर प्रतिहारा. अभी आपको एक काम करना है, मैंने आपको एंशियंट से लेके मेडिवल पढ़ा दिया. अब उसमें ना बेटा बहुत सारे मैप्स हैं. इफ आप अगर पहले इसकी बात करोगे, मैंने हरप्पन सिविलाइजेशन के ऊपर कुछ पढ़ाया था, उसमें भी आपको इंडिया बनाना है ऐसा, या ब्लैंक मैप ले ले भाई, चल मेहनत नहीं करना है ना, ब्लैंक मैप ले और ऐसा मार्क करके रख.
हिस्ट्री पढ़ते समय आपको थोड़ा तो भी ये करना पड़ेगा, मैप बनाने पड़ेंगे, मैप मार्किंग करनी पड़ेगी, तभी जाके तुमको समझ में आएगा कि हम गुर्जर पतिहारा नॉर्थ में था, देन चोलास चेरास पांड्यास की बात करें तो वो साउथ में थे, ईस्ट में भी कुछ डायनेस्टीज रूल करके गई, वेस्ट में भी। अब जब तक के आप ये बनाओगे नहीं, मैंने कैसा बनाया अभी, और देखो ऐसा ही है, ऐसा दिखा दिया गुर्जर पतिहाराज, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखा दिया ये ऐसा राष्ट्रकूटाज। बेटा कैसा है ना, हर चीज़ यहाँ पे देखने से नहीं होने वाली है, आपको भी घर में अपने एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे लेकिन घर पे जाके आप नहीं पढ़ रहे, कुछ फ़ायदा है क्या उसका? लेके आ गया, मैं बहुत बड़ी टीचर को लेके आ गया, बाप रे बाप, लाखों स्टूडेंट पढ़ा दिया होगा, बहुत अच्छी बात है सर। जब तक कि तुम खुद से नहीं करोगे आपको जमेगा नहीं, तो ऐसे मैप्स वगैरह आपको बनाने आने चाहिए। थोड़ा सा आपको समझ रहनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन सी डायनेस्टी ने कौन सी एरिया में रूल किया, भाई कौन सी एरिया में रूल किया। गुर्जर प्रतिहारों को साउथ में लेके आओगे क्या तुम? नहीं ला सकते ना, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया है। तो वो एक मैप है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाउंडर ऑफ द चंडेल डायनेस्टी वॉज नानुक, अभी जस्ट देखा अपन ने, खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी, ओहो खजुराहो कैपिटल थी बोलते, द लास्ट रूलर ऑफ द चंडेल डायनेस्टी वॉज कौरत सिंह, फोर्थ वन, द पीक ऑफ द चंडेल डायनेस्टी रीच्ड अंडर यशोवर्मन हु स्प्रेड हिज रेन टिल द गंगा एंड द यमुना रीजन। ये चार स्टेटमेंट दिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, वन एंड टू, वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, वन टू एंड वन टू थ्री एंड फोर, वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी देखिए फास्ट और आंसर दीजिए मुझे। एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया कृणाली? चालू है ना, चलिए आइए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज वन टू थ्री एंड फोर, मतलब ऑल ऑफ द अबव भी हम बोल सकते हैं कि चारों ही स्टेटमेंट सर यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं, ये तो करेक्ट है, द फाउंडर ऑफ चंडेल डायनेस्टी वॉज नानुक, जस्ट अभी देखा, खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी, यस खजुराहो कैपिटल थी, द लास्ट रूलर ऑफ द चंडेल डायनेस्टी वॉज कौरत सिंह, जो आखिरी रूलर थे कौन सी चंडेल डायनेस्टी के, वो कौरत सिंह थे, फोर्थ वन, द पीक ऑफ द चंडेल डायनेस्टी रीच्ड अंडर, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक समय होता है हाइट पे, एक अति हाइट पे कोई तो भी व्यक्ति लेके जाता है किंगडम को, जैसे बाजीराव पेशवा, मराठा एम्पायर उनके वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया, देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं चंडेल डायनेस्टी में किसके अंडर एक अपनी हाइट पे पहुँचा, पीक पे पहुँचा, तो यशोवर्मन, क्या नाम था उनका, यशोवर्मन, हु स्प्रेड इज रेन टिल द गंगा एंड द यमुना रीजन, गंगा यमुना रीजन तक के इन्होंने अपने किंगडम को फैलाया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्पल सिटी ओसैन नियर जोधपुर वॉज बिल्ड बाय, ओसैन नाम की एक सिटी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी बोलते, प्रतिहाराज, सोलंकीज, चौहान्स या परमार्स, वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर? एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन, एकदम डीप वाला, द करेक्ट आंसर इज प्रतिहाराज, और हमारा टॉपिक कौन सा चालू है, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज, चलिए एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोमेश्वर टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन किराडू, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, सोमेश्वर करके एक टेम्पल है जो कि लार्जेस्ट टेम्पल भी बोला जाता है किराडू का, इट इज डेडिकेटेड कौन से भगवान को समर्पित है, ये विष्णु को है, स्टेटमेंट में बोल रहे, सोमेश्वर टेम्पल एट किराडू एंड हर्षा एट माता टेम्पल एट अबनेरी आर बिल्ट इन गुर्जर प्रतिहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल। मैंने कल भी एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडो ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, तो इधर कौन से आर्किटेक्चर की बात, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, कौन सी, गुर्जर प्रतिहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात हो रही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा है इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, नन ऑफ दी अबव, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन सर, बताइए व्हाट शुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, आंसर इज ए, वन ओनली, जो फर्स्ट वाला है सर वो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या है मेरा बच्चा, इनकरेक्ट है।
देखते हैं क्यों है। इनकरेक्ट पूछा है ना यहाँ पे, करेक्ट पूछा होता तो कोई बात ही नहीं थी। आ जाओ। स्टेटमेंट वॉज एन इनकरेक्ट बिकॉज सोमेश्वर टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन कराडू किराडू। यहाँ तक के तो सब बढ़िया चल रहा है, एकदम हम खा पी रहे हैं, बढ़िया एकदम घूम रहे हैं। एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा नॉट विष्णु। किसको डेडिकेट किया है मेरे बच्चा? यहाँ पे डेडिकेट किया है लॉर्ड 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 लॉर्ड, यहाँ पे विष्णु लिखा हुआ है ना, यहाँ पे विष्णु लिखा है, लेकिन किसको डेडिकेट किया? तो डेडिकेट किया है लॉर्ड शिवा को। ओम नमः शिवाय, अरे है कि नहीं, उनको किया है बोलते डेडिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेम्पल है, क्या आर्किटेक्चर रहता था भाई, मेरा तो सर ही घूमता है ये देख के। थोड़ा सा गौर से देखो, तुमको लगेगा कि यार ऐसा मंदिर देखना चाहिए। वाह, ये अंकल जी खड़े हैं, हमारे फॉरेनर दिख रहे हैं ये, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ, ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा क्या हुआ करता था उसकी बात हो रही है। देयर आर एट टाइप ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स, एट टाइप ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रतिहाराज सच एज कुट्टापल्ला, तंत्रपाल, दंडपाशिका, दंडनायका, दुताका, भांगिका, विहारेणा एंड बलद्रिकट। ओ माय गॉड, क्या शब्द है ये, हमको बोलना नहीं जमेगा, लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। देयर आर एट टाइप ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स थे बोलते। ग्रामपति वॉज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट हु एडवाइज इन मैटर्स ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, है ग्रामपति करके था बोलते, किसी का पति नहीं बेटा, ग्रामपति एक पोजिशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पति राइट नाउ, ओके, तो आप कुछ भी मत समझिए। ग्रामपति, ग्रामपति जो थे वो एक ऑफिसर थे बोलते स्टेट हु एडवाइज मैटर्स ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की वो बात किया करते थे। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है बताइए? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वन एंड टू। सर ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होती है, करेक्ट होती है। अभी हम थोड़ा सा इसको बांट लेते हैं। देयर आर एट टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स, एट टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स क्या थे उनके पास? आठ प्रकार के ऑफिसर्स थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे प्रतिहारा डायनेस्टी का, एक तो समझ में आया। अब उनमें से ये कुछ नाम दिए हुए, वन दे देते इनको, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ एट हो गए ना, हो गए, एट हो गए। तो यहाँ पे जोड़ लो तुम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सर ये याद रखना पड़ेगा क्या भाई? इतना याद तो नहीं रख पाएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा। इफ़ अगर याद रहता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको रट्टा लगा ले, इसको रट्टा लगा ले, नहीं लगाएगा तो भी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये वर्ड्स थोड़े से हार्ड पड़ेंगे हमको, क्योंकि हम बोलते नहीं है ना ये सब वर्ड। कोटपाला, तंत्रपाल, हाँ ये तंत्रपाल जम जाएगा। दंडपाशी का जो दंड देता होगा शायद वो बोल सकते हैं। दंडनायक पता नहीं क्या है, ठीक है, गया आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रकूटास के ऊपर, ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी डिड कनेरी यूनिवर्सिटी बिकेम पॉपुलर? राष्ट्रकूटास, चोलास, चालुक्यास, पल्लवास, व्हाट शुड बी द आंसर? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटास। नेक्स्ट पे आइए, हाँ फिर से एक मैप आप लोगों के लिए, ये थोड़ा नीचे से इंडिया बनाया हुआ है हमने ऐसा कुछ, तो भी राष्ट्रकूटा इधर साइड में कहीं है, ये ऐसा कुछ तो भी है। देन उसके बाद आप देख रहे होगे ये चोला एम्पायर, देन पांड्याज, अरे है कि नहीं, ये ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है, देख लेना आप लोग, ये मैप आपको आना चाहिए। इफ अगर मैप नहीं आएगा तो तकलीफ हो जाएगी, ये देख लेना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रकूटा ब्लैंक मैप। आइए,
Who was the first and the most important king of the Rashtrakuta dynasty of Karnataka? Who defeated the Chalukyas of Badami? कौन थे सबसे फेमस राजा वहाँ के? दंतीदुर्ग, हरिहर वन, उत्तमा एंड बिंदुसार. इनमें से बिंदुसार कैसे हो गए? पॉसिबल ही नहीं है. वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर? एनसीईआरटी क्वेश्चन. बताइए इनमें से कौन सा आंसर है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज दंतीदुर्ग. दंतीदुर्ग एक ऐसे राजा थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी के ऑफ कर्नाटका. वो डिफिटेड द चालुक्यास, इन्होंने चालुक्यास को हराया था. कहाँ के? बदामी के चालुक्यास को. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको. द ओरिजिन ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हैज़ बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. कॉन्ट्रोवर्सी होती है इस टॉपिक पे ऑफ इंडियन हिस्ट्री. दिस इशू पर्टेन टू द ओरिजिन ऑफ द अर्लीस्ट एंसेस्टर्स ऑफ द राष्ट्रकूटास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर अशोक, उनके टाइम, इन द सेकेंड सेंचुरी BCE, एंड द कनेक्शन बिटवीन द सेवरल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दैट रूल स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया एंड द डेक्कन. पढ़ लेना ना भाई, ये क्या पढ़ाऊँ मैं, पढ़ लेना आप इसका स्क्रीनशॉट, एसेंस ले लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा. कुछ राजाओं की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ राजाओं की बात हो रही है, देख लेते हैं. बचपने में करते थे हम ये काम ऐसा. चलो आओ. दंतीदुर्ग, कृष्णा वन, गोविंद टू, ध्रुव धरावर्ष, गोविंद थ्री, अमोघ वर्ष. इम्पोर्टेंट, अमोघ वर्ष एक इम्पोर्टेंट राजा है, दंतीदुर्ग भी इम्पोर्टेंट राजा है, देन उसके बाद कृष्ण टू, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंद्र थ्री, अमोघ वर्ष टू, गोविंद, अमोघ वर्ष थ्री, कृष्ण, कोटिगा, करका, इंद्र. सर इतने सारे याद रखने हैं? याद नहीं रखना है, बस एक बार थोड़ा सा देख ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो. दंतीदुर्ग, अमोघ वर्ष, ये याद रखना, ये इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं. मतलब हम लोग भी जब टेस्ट सीरीज सेट करते हैं आपकी, तो ये क्वेश्चंस डालते हैं. थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस रहना चाहिए ना, छोटे लेवल में तो हर कोई खेलता है, थोड़ा टफ ज़रूरी है. नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक्स है आपके लिए, देख लीजिएगा. आइए नेक्स्ट पे. राष्ट्रकूटा डिफिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बदामी चालुक्य किंग? महेंद्र वर्मा, कीर्ति वर्मा, पुलकेशिन द सेकेंड, राजा नरसिम्हा. किनको हराया था? देखते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज टू, दैट इज कीर्ति वर्मा. कीर्ति वर्मा को भैया राष्ट्रकूटा डिफिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बदामी चालुक्यास, तो कीर्ति वर्मा जो थे उनको यहाँ पे डिफीट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके डन. चलो इसके बाद क्या स्टार्ट करना था हमको? सूफियन भक्ति मूवमेंट. लेकिन उसके पहले जो चीज़ मैं किए बिना रुकता नहीं हूँ, क्या होता है वो? रिवीजन. चलिए आइए देख लेते हैं. आ जाओ, स्टार्ट किया हमने अपने लेक्चर से आज पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास से, है ना. देन हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा ये, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी के सबसे पहले किंग कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोपाल. देन सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा. देन सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ये एक बार देख लीजिए आप जल्दी से. इसका आंसर क्या था? आंसर इज बोथ 1 एंड 2. अब स्टेटमेंट 3 क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज डायनेस्टी वॉज अ स्टंच फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म, नॉट जैनिज्म. ओके नेक्स्ट, हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 9th century? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो फेमस यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा हुई है वो? तो इसका आंसर था धर्मपाल. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. ये यूनिवर्सिटी की कुछ फोटोज है. हाँ चलो, क्वेश्चन 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन देखा हमने. What should be the correct answer? Consider the following statement as or are correct. So the correct answer is all of the above. मतलब ये सर दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. देन उसके बाद हमने देखा चंडेल डायनेस्टी के बारे में, देखा जिनके नानुक थे फाउंडर. देन उसके बाद मैंने आपको मैप बना के दिखाया था कि आपको मैप बनाते आना चाहिए. Consider the following statement वाला मैंने क्वेश्चन आपको दिया, चार स्टेटमेंट थे. Which of the statement is or are correct? आपको बताना था.
So the correct answer is 1, 2, 3 and 4. That is all of the above. B. The temple city Hosen near Jodhpur was built by. ये जो city थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी प्रतिहारास के time पे. Next. Consider the following statement. Someshwar temple के बारे में कुछ question है आपको. So इसका correct answer one only statement was in. One is incorrect because Someshwar. ये incorrect वाला था ना? हाँ incorrect वाला था. Someshwar temple is the largest temple in Kerala and it is dedicated to Shiva. किसको डेडिकेट किया है? शिवा को डेडिकेट किया है. ये बहुत ही ब्रिलियंट आर्किटेक्चर. देख के ही मेरी जाने की इच्छा हो गई. ऐसा लगता जानना चाहिए एक बार. चलिए नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के. अभी जस्ट हमने देखा वाट. फिर हमने राष्ट्रकूटास के बारे में कुछ एक दो क्वेश्चन देखे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी डिड कनेरी यूनिवर्सिटी बिकेम पॉपुलर. तो किसके टाइम पे थी? राष्ट्रकूटास के टाइम पे. ये कुछ हमने मैप देखे. देन उसके बाद एक और क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ राष्ट्रकूटास डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका हु डिफिटेड द चालुक्या. चालुक्या को आ रहा था तो उनका नाम था दंती दुर्ग. देन ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. ये कुछ किंग्स जो बेसिक जो मेजर किंग्स थे. ये कुछ और बेसिक्स. देन एक और एक क्वेश्चन. राष्ट्रकूटास डिफिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बदामी चालुक्य किंग. दो व्हाट शुड बी द आंसर. द आंसर इज कीर्ति वर्मा. अभी कीर्ति वर्मा कोई लड़की नहीं है भाई. ठीक है. थैंक यू एंड जय हिंद. नेक्स्ट पे आते हैं भक्तिज्म एंड सूफिज्म. सर आप आज जल्दी ले रहे हो क्या? नहीं जल्दी नहीं. जो स्पीड हमारी रेगुलर रहती है वही स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट पे आइए. सब ब्लर क्यों हो गए? चलिए ठीक है ऐसे ही देख लेंगे. कोई बात नहीं. ओके लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक. टुडे सेकंड टॉपिक भी बोल सकते हैं भक्तिज्म एंड सूफिज्म. कभी कभी दौरे छूटते हैं शायद इसको. हाँ तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स देखेंगे. मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री, आकार फाउंडेशन. लास्ट टॉपिक रहने वाला है हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का. उसके तुरंत बाद आपको पॉलिटी की सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी. देन मॉडर्न हिस्ट्री की भी हम लोग क्वेश्चन सीरीज चालू कर देंगे. ठीक है तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं. हिस्ट्री की तैयारी पूरी मैं करवा के दूंगा. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गारंटी है. बस मेरे साथ साथ आपको रिविजन करना नेसेसरी है, आपको अपना काम करना नेसेसरी है. मैं यहाँ पे आके तो अपना काम कर दे रहा हूँ. मैं घर आ रहा हूँ क्या देखने के लिए? चलो एक कप चाय बनाओ, मैं घर आता हूँ और अपन ये करते हैं अभी दो महीने तक. पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं है ना पॉसिबल. मैं यहाँ से तो तैयारी करा दूंगा लेकिन घर पे तैयारी फ्यूचर IAS आपको करनी है. चलिए आइए भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. Who among the following groups of people were part of the Vaishnavite movements? इधर भी भैया दो तीन चीजें हैं. शैविज्म, वैष्णविज्म, वो लोग जो विष्णु जी को बहुत मानते हैं. शैविज्म जो शिवा जी को, शिव जी हमारे महादेव, उनको बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल वे आर पार्ट ऑफ द वैष्णवाइट मूवमेंट्स. क्या वो अलवर्स थे, नैनर्स थे, प्रबंधास या आर्यकास? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये. बेसिक क्वेश्चन क्यों बोल रहे सर आप? आप जब NCERT उठाएंगे, NCERT में चैप्टर आप जो देखेंगे भक्तिज्म एंड सूफिज्म का, ये शायद मुगल एम्पायर के बाद में ही आता है. तो आपको इसके ऊपर दो तीन पेज दिखेंगे. अब दो तीन पेजेस में यही सब दिया हुआ है. वो दो तीन पेजेस में यही सब दिया हुआ है. नैनाज, अरवार्स, शैविज्म, सूफिज्म, भक्तिज्म, संत एकनाथ, ख्वाजा मोइनुद्दीन खिलजी, सॉरी चिश्ती जो बोलते हैं ना, तो यही सब आपको देखने मिलेगा. बढ़िया टॉपिक है. आप अगर कभी आपने वो मूवी देखी होगी रॉकस्टार, तो रॉकस्टार मूवी जब आपने देखी होगी तो एक टाइम आता है जब रणबीर कपूर जो रहता है वो दरगाह में चले जाता है.
मुझे याद नहीं आ रहा है वो किन की दरगाह रहती है, एक गाना गाता है वहाँ पे, कुन फाया कुन या निजामुद्दीन औलिया, ये गाना गाता है। देन आपने एक और मूवी देखी होगी जोधा अकबर, जोधा अकबर में जो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये जो गाना है इसमें जब अकबर आता है तो वो खो जाता है, ऐसा पूरा नहीं क्या, ऐसा हुआ करता था, ऐसा लोगों के साथ हुआ करता। तो तुम सोचो आज आप स्कॉन टेम्पल जाते हो, स्कॉन टेम्पल में जब भजन होते तो अपन उठ उठ के नाचने लगते ना, दरगाह में कई बार कवालियाँ गाई जाती है तो लोग उठ उठ के नाचने लगते हैं, वो ऑटोमेटिक है भाई। कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है पैर थिरकाने की, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी, आप खो जाते भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे आप खो जाते हो, मतलब यार क्या होता समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, कौन थे वो लोग वैष्णव वाइट मूवमेंट जो थे, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सर आप गाने बहुत गाते हैं, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और मैं पहले गाने ही गाया करता था, बाद में मैंने पढ़ाई करना चालू किया। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज अलवर्स। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पार्ट ऑफ द वैष्णवाइट मूवमेंट, तो वैष्णवाइट मूवमेंट के जो जिन्होंने किया था पार्ट, वो अलवर्स बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है बेटा? अलवर्स बोला जाता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेंट ऑफ द वैष्णवाइट मूवमेंट वेयर कॉल्ड एज अलवर्स, अलवर्स कहा जाता है इन्हें। नैनार्स वेयर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, अलवर्स कहा जाता है वैष्णव वाइट मूवमेंट को, वैष्णव वाइट जो वैष्णो जी को फॉलो करते हैं, और नैनार्स बोला जाता है लॉर्ड शिवा के डिवोटी को, मतलब शैविज्म उनको फॉलो करने वाले। ठीक है, गया दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड was the movement which emphasized single-minded intense devotion to God. हाँ, single-minded, मैं और भगवान, बाकी कोई बीच में नहीं, मैं और God. It was complete surrender of oneself to God. मेरा तुझको अर्पण, अर्पण हो गया ये तो, मेरा तुझको अर्पण, बस आप और मैं, बाकी हमारे बीच में कोई भी नहीं, आप और मैं माने मैं और God. मैं और भगवान, बाकी बीच में कोई भी नहीं। देखो मैं कितना फॉर्म में आ गया पढ़ाते पढ़ाते। कभी कभी आप भी गाने वाने सुनते हो भगवान के किसी के, तो आपको भी ऐसा लगता है ना, बस खो जाओ झूमते रहो। वन सेल्फ टू गॉड। नेक्स्ट, द मेन फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट इज यूनिटी ऑफ गॉड और वन गॉड थ्रू नोन बाय डिफरेंट नेम्स। भगवान तो एक ही है भाई, गॉड एक ही है, एक ही है, उनके अलग अलग नाम है जो कि लोगों ने अपना अलग अलग कर लिया है। स्टेटमेंट में लिखा है, इज द यूनिटी और वन गॉड टू नोन बाय डिफरेंट नेम्स, रेपिटेशन ऑफ द ट्रू नेम। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरि 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 बोलते हैं ना हम लोग, रिपीट करते हैं। अरे करते कि नहीं करते रिपीट, रिपीटेशन ऑफ द ट्रू नेम। अब वो कोई भी चीज़ में हो सकता है, राधा कृष्ण में भी हो सकता है, अल्लाह में भी हो सकता है, देन उसके बाद हमारे जो गुरु नानक जी थे उनमें भी हो सकता है। रिपीटेशन ऑफ नेम, रिपीट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भगवान का नाम रिपीट करते हैं। देन नो डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट कास्ट और हायर और लो, कोई भी इसमें कोई हाई नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या सर? स्ट्रेटा में बांटते हैं ना हम लोग, तू अमीर, तू गरीब, तू बहुत गरीब, तू कुछ भी नहीं, है ना। अमीर में भी कैटेगरी है, बहुत अमीर, उससे कम अमीर, गरीब में गरीब, बहुत गरीब, उससे गरीब, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। Which of this statement is not correct? One only, one and three, one, two and three, and none of the above. So what should be the correct answer? The correct answer is one, two and three. Sir, ये तीनों ही statement आपने जो बोला है वो correct है। The most characteristic feature of religious development during the medieval period was the movement which emphasized single-minded intents. मैंने बताया, खो जाओ, मैं, मेरे भगवान। Devotion to God, it was complete surrender of oneself to God. Second, the main feature of the bhakti movement is unity of God or one God to known by different names. अलग अलग नाम से भगवान जाने जाते हैं। Repetition of two name. No distinction of different caste. कोई भी distinction नहीं है, कोई भी caste के आप हो follow कर सकते हो, गाने गा सकते हो। चलिए next. What is संत भाषा? क्या है? Language of the निर्गुण mystics. Language of the उलट बंसी mystics. Language of the निराकार mystics या language of the सगुन mystics? What should be the correct answer? Correct answer क्या है इसका? Correct answer is A, that is language of निर्गुण mystics.
संत भाषा वॉज द लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण मिस्टिक्स. पोएम्स ऑफ कबीर हैव बीन रिटन इन द संत भाषा. ऐसा कुछ तो भी है उसका स्टेटमेंट. जब आप रिस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट पे आइए. विच भक्ति संत कंपोज्ड भारूड. क्या वो एकनाथ थे, क्या वो तुकाराम थे, क्या वो ज्ञानेश्वर थे, क्या वो रामानुज थे. अभी ये जो है ना बेटा, ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भजन में. आप सुनते हैं ना भजन कीर्तन. अरे यार, आप भजन कीर्तन सुनते हैं ना, भजन कीर्तन सुनते हैं कभी कभी. महाराष्ट्र में बहुत होता है वो. एक आपने देखा होगा कि एक माइक लगा रहता है, एक व्यक्ति विशेष रहता है. देखा है कृणाली कभी? वो बोलते हैं माझे माहेर पंडरी. सुना है कभी? ये सब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग संत एकनाथ तुकाराम बहुत फेमस संत थे ना. ये लोग, इन्होंने भारूड और कई सारी पोएम्स और कई सारी ऐसी चीज़ें निकाली थी जो भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, अलग अलग डाइटीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं अपने फॉर्म के ज़रिए, गाने के ज़रिए. अरे होता है ना, आप गाने के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. चलिए, कंपोज भारूड कौन थे जिन्होंने भारूड कंपोज किया था? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज संत एकनाथ. संत एकनाथ ने भारूड कंपोज किया था. नेक्स्ट. हाँ, ये एकनाथ जी की फोटो है. कोई गाना वाना याद है एकनाथ जी का? कोई आता कुछ गाना वगैरह? कोई भी पता नहीं है. सर हम तो अरिजीत के फ़ैन हैं. अरे बेटा, इनके भी सुन लो कभी कभी. सर हम अरिजीत और उनको सुनते, आतिफ असलम को. लेकिन अच्छे हैं ना, इनके भी बहुत अच्छा अच्छा कंपोजिशन है. संत एकनाथ. चलिए, द भक्ति मूवमेंट वॉज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस मूवमेंट इन मेडिवल हिंदुइज्म दैट सॉट टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स. आपको भी पता है, ऑल द स्टेट ऑफ सोसाइटी बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ डिवोशन टू अचीव सेल्वेशन. आपको भी पता है कि मेडिवल इंडिया के टाइम पे कितना ज़्यादा करप्शन वगैरह होने लग गया था, कितनी ज़्यादा चीज़ें गलत होने लग गई थी, डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी. तो ये लोग निकल के आए, बोले यार ये जो कर रहे हो ना आप, ये बहुत गलत है, हम करना ही नहीं चाहते, हम अपनी भक्ति, हम अपना सूफिज़म अलग से करेंगे, हम गा के लोगों को बताएंगे या गा के सेल्वेशन प्राप्त कराएंगे. और होता भी है ऐसा बोलते. मैंने बताया था आपको, जब अकबर के दरबार में गाते थे वो तानसेन थे कि कौन थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, तो पानी आ जाता था, वो ऐसा गाते थे. होता होगा, हम थे क्या वहाँ, हमने देखे क्या, ऐसा हिस्ट्री में लिखा है. तो होता होगा भैया, देखते हैं. नेक्स्ट. वाह, क्या इमेज है. ये भक्तिज्म चालू है, ये मंजीरा है हाथ में, देन ढोलक वोलक भी होगा किसी के हाथ में. आपको अगर नागपुर शहर में ये सीन देखना है तो ये सीन आपको देखने मिलेगा इस्कॉन टेम्पल पे, इस्कॉन टेम्पल में देखने मिलेगा ये सीन. चलिए, नेक्स्ट. नटराजन की फोटो. नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंस. कुछ कुछ कॉमन फीचर्स होते थे ना भक्तिज्म में, सूफिज्म में, वो क्या थे, क्या थे कॉमन फीचर. कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द फॉलोअर्स. भाई जो तुम चीज़ें कर रहे हो वो लैंग्वेज तो सही रखो. तुम अगर साउथ की लैंग्वेज नॉर्थ में लोगों को बता रहे हो, समझने वाली है? कुछ नहीं जाएगा ना दिमाग में. तो वो जो फॉलोअर्स है, आज आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आ जाती? आती कि नहीं आती? आपके व्हाट्सअप पे अगर कोई तमिल में आपको लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, सर गूगल का जमाना है सर, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. अरे भाई इतना समय है ना तेरे पास, तो फिर पढ़ लेना वो लैंग्वेज. तू रहता नॉर्थ में, देखो अगर कोई साउथ की लैंग्वेज में मैसेज डाल रहा है तुम समझ पाओगे कि बेटा? नॉट पॉसिबल. चलो जाने दो व्हाट्सएप को. मेरे सामने एक पेज आया और उसमें पूरा साउथ में लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ, मैं कुछ समझ पाऊँगा क्या? आई एम अनेबल टू अंडरस्टूड ना, मैं कैसे समझ में आऊँगा. तो आपको ऐसी लैंग्वेज रखना है जो आपके फॉलोअर्स को समझ में आए. क्या है? समझ में आए. नेक्स्ट आइए. अब हमारी भाषा उनको समझती होगी कि हम जो बोलते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, पता है साउथ के लोग हिंदी बोलते नहीं है. देन रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द प्रीस्टली क्लास. अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, बोले चलो यहाँ मत बताओ. एनकरेज वुमेन टू गो टू द टेम्पल्स. वुमेन को एनकरेज किया कि आप भी मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए. एनकरेज आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा वगैरह भी कीजिए. वन एंड टू, वन एंड थ्री, वन ओनली या फोर ओनली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉमन फीचर. अब इनमें से कॉमन फीचर कौन सा था बोलते हैं, आइए. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वन. कंपोज देयर वर्सेज इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द फॉलोअर्स. भाई ऐसी लैंग्वेज रखना चाहिए जो सभी
अब सभी को समझ में आती होगी, इतने इसलिए तो इतने फॉलोअर्स थे ना भाई। आज महाराष्ट्र में नाम नहीं है क्या संत एकनाथ, संत तुकाराम का, संत ज्ञानेश्वर, बहुत नाम है। देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द फॉलोअर्स, सभी फॉलोअर्स को समझ में आनी चाहिए, तो पहला मोस्ट प्रोबेबल है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक PYQ आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द सूफी मिस्टिक्स वेयर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। अभी सूफीज़म के ऊपर आ गए हम लोग। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सीवियर एसेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेसेस, रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्टसी इन देयर ऑडियंस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, 1 and 2, 2 and 3, ओनली 3, 1, 2 and 3। सो वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, हाँ सूफीज़म। मेडिटेशन करते हैं आप लोग, वो हाथ ऐसे करके नहीं क्या, आपका सांसों को कंट्रोल में लाना, सांस कंट्रोल में। सीवियर एसेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, अकेली जगह में बैठे एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके ज़रिए, गाने वाने के ज़रिए। रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स, जो भी होली सॉन्ग्स हैं भगवान से रिलेटेड जो गाने हैं उनका रेसिटेशन करना, गाना बोलना, और ऑडियंस इन देयर ऑडियंस स्टेड ऑफ एसेटिज इन ना। आप कोई भी रिलीजन का ले लो, सभी रिलीजन के गाने आप अगर थोड़ा सा आप मानते हो ये सब चीज़ों को, तो जब हेडफोन डाल के सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और चला गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सूफीज़म के कुछ इमेजेस है। आपने फ़खर जोधा अकबर मूवी देखी होगी या वो गाना सुना होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अकबर उठ जाते हैं अपनी जगह से, वो ग्राउंड पे आते हैं और घूमने लग जाते हैं, वो भी मतलब खो जाते हैं, है ना, ख्वाजा पिया के प्यार में वो खो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं बस घूमता रहूँ, ऐसा होता है। तो ये कुछ इमेजेस है, ठीक है। ये देखो ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं सूफीज़म वाले, ऐसे वाइट कलर के ड्रेस, ऐसी बड़ी सी टोपी, देन ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ गा रहे होंगे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ खानका इज अ बिल्डिंग डेजिग्नेटेड स्पेशली फॉर द गैदरिंग ऑफ सूफी ब्रदरहुड। खानका इज अ बिल्डिंग थी बोलते हैं, जो कि डेजिग्नेट की गई थी स्पेशली, जो गैदरिंग्स होती है सूफी ब्रदरहुड की, सब आते हैं बैठते हैं जमा होकर, गाने वाने नहीं गाते क्या, जस्ट लाइक जागरण होता है, देन कवालियों का प्रोग्राम होता है, तो एक खाना खा वो है बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इन द अरब वर्ल्ड स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका द खानका इज नोन एज जविया, जविया भी बोला जाता है अरब वर्ल्ड में इनको। सूफिज्म इज अ मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम, अ स्कूल ऑफ प्रैक्टिस that focuses on the spiritual search for God and shuns materialism. Which of the above statement is are correct? 1 only, 1 and 3, 3 only, all of the above. What should be the correct answer? थोड़ा सा time लगेगा इसको करने में, बड़ा question है और अंदर का question है, तो देख लीजिए एक बार। NCERT का नहीं है, चलिए बता दिया, आंसर दे दिया आप लोगों ने वहीं पे बैठ के, देखते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव। सर तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। खानका इज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी डेजिग्नेटेड थी स्पेशली फॉर द गैदरिंग ऑफ सूफी ब्रदरहुड, आते थे ये लोग यहाँ पे बैठते थे और सूफिज्म किया करते थे, गाने गाया करते थे। इन द अरब वर्ल्ड स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका की बात हो रही है, नॉर्थ अफ्रीका, द खानका इज नोन एज जविया, इन्हें जविया भी बोला जाता था। सूफिज्म इज अ मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम, यस इस्लाम का एक मिस्टिकल फॉर्म है। स्कूल ऑफ प्रैक्टिस, एक स्कूल ऑफ प्रैक्टिस है, दैट फोकसेस ऑन द स्पिरिचुअल सर्च फॉर गॉड, मतलब अल्लाह को ही वो खोज रहे हैं, एंड शून्स ऑफ मटेरियलिज्म। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑफ द चिश्तिया ऑर्डर वॉज कॉल्ड चिरागे दहलवी। शेख नसीरुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो नाम बहुत बार सुना है मैंने भी, शेख बहाउद्दीन जकारिया या शेख सलीम चिश्ती, मोइन सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइन, अरे है ना
या मोइन, ऐसा बोलते हैं ना गाने में, कवालियों में, तो इनमें से व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स ऑफ द चिश्ती ऑर्डर वॉज कॉल्ड चिरागे देहलवी. चिश्ती ऑर्डर के कौन से संत को चिरागे देहलवी बोला जाता था? सो द करेक्ट आंसर इज शेख निसारुद्दीन. नसारुद्दीन, निसारुद्दीन जो भी है, शेख नसीरुद्दीन, सॉरी शेख नसीरुद्दीन है. ठीक है, शेख नसीरुद्दीन. ओके, शेख नसीरुद्दीन वॉज अ प्रोमिनेंट संत. ही वॉज द डिसिपल ऑफ ग्रेट संत हजरत निजामुद्दीन औलिया. यही गाना, यही मुझे याद आया अभी, कुन फाया कुन गाने में यही या निजामुद्दीन औलिया बोलता है, स्टार्टिंग में ही बोलता है रणवीर कपूर जब गाता है. तो रणवीर कपूर ने नहीं गाया, ए आर रहमान ने गाया है. एंड लेटर इज खलीफा. खलीफा एक पोस्ट है. चलिए आइए, खलीफा से कुछ याद आया मुझे. खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट. इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट याद आ गई जो लग के ही है. कौन सी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाम सुना है कभी कृणाली? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये खलीफा से मुझे याद आया. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट. सूफिज्म इमर्ज अर्ली ऑन इस्लामिक हिस्ट्री पार्टली अ रिएक्शन अगेंस्ट द वर्ड लाइन्स ऑफ द अर्ली उमायद कैलिफाट एंड मेनली अंडर द टुटलेग ऑफ हसन अल बसरी. ऑल्दो सूफीज वी आर अपोज टू ड्राई लीगलिज्म. जो भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, एसएस ले लीजिए इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, आज खत्म करना है मुझे. नहीं आओ, चलिए टाइम है हमारे पास थोड़ा सा. द चीफ सेंटर ऑफ द चिश्ती स्कूल इन साउथ इंडिया वॉज गुलबर्ग, गोलकोंडा, बीजापुर एंड बिदार. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए जल्दी बताइए, थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन है, अंदर का क्वेश्चन है. बताइए, चिश्ती स्कूल इन साउथ इंडिया वॉज, उसका चीफ सेंटर क्या था? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? गुलबर्ग. यस, द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज गुलबर्ग. नेक्स्ट, ये कुछ फोटो लाया है आपके लिए. बस खत्म. चलो और कुछ है क्या? हाँ, एडमिशन ओपन है बेटा आपके लिए. यूपीएससी सीएसई 2024-25 जो अटेम्प्ट देने वाले, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ये तीनों नंबर आपको दिए हुए हैं. चलो रिवीजन कर ले, एक पट से एक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से. चलिए आइए. सॉरी, पहला क्वेश्चन हमने देखा, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पार्ट ऑफ द वैष्णवाइट मूवमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज अलवर्स. हमने देखा अलवर्स बोला जाता है जो वैष्णवाइट मूवमेंट से है, और नयनार्स बोला जाता है जो कि लॉर्ड शिवा के डिवोटी है, लॉर्ड शिवा को ज़्यादा वो करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दूसरा वाला देखा, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है. द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, ये आप लोग देख लीजिए एक बार. देन उसके बाद वॉट इज संत भाषा, क्या होती है लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण मिस्टिक्स, ये हमने देखा. विच भक्ति सेंट कंपोज भारूड, तो ये इनका करेक्ट ऑप्शन था, आंसर था संत एकनाथ. एकनाथ यार, नेक्स्ट, ये संत एकनाथ जी की आपको कुछ फोटोज दी गई है. देन उसके बाद हम लोगों ने शायद सूफी स्टार्ट किया था. हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स, कौन से कॉमन फीचर थे? तो इसका करेक्ट आंसर था, दैट इज वन. देन उसके बाद 2012 का PYQ लाया मैंने आपके लिए. विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, इसका आंसर था 1, 2 एंड 3. ये कुछ इमेजेस आपके लिए, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, एक और खाना का मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स ऑफ द चिश्ती ऑर्डर वॉज कॉल्ड चिरागे देहलवी. चिरागे देहलवी किनको कहा जाता? तो शेख नसीरुद्दीन. देन उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन आपके लिए, द चीफ सेंटर ऑफ द चिश्ती स्कूल इज इन गुलबर्ग, ये हमने देखा. ठीक है, चलो अभी सर कृणाल जी आपको जाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, हम लोगों ने बेटा यहाँ पे अभी पूरे टॉपिक देख के ख़त्म कर लिए. मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार,
ये सॉरी सर, ये टॉपिक हमने पूरे यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, पूरे पढ़ा के, ठीक है। भक्ति और सूफी भी हमने देख लिया, अरे है कि नहीं देखा, कि नहीं देखा, भक्ति और सूफी भी हमने देख लिया। तो सर इनडायरेक्टली हमारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री था वो क्या हो चुका है बेटा, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो था वो ख़त्म हो चुका है, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो अभी हमने देख लिया एंशंट हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री जब मैंने आपसे चालू करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन से हमने एंशंट हिस्ट्री को देखा। अरे देखा कि नहीं देखा, क्या हो गया, चलिए ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत तो है नहीं अभी। चलो कोई नहीं, ये काम नहीं कर रहे शायद। जाने दो सर, ऐसे ही बोल देंगे, हमको ज़रूरत नहीं है बोर्ड वोर्ड की, बिना बोर्ड के भी काम हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री मैंने जब चालू किया था, हरप्पन कल्चर के हमने कुछ क्वेश्चन देखे। हरप्पन कल्चर के बाद हम धीरे धीरे बढ़े अपना वैदिक टेक्स्ट, आर्यंस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा। देन उसके बाद हम धीरे धीरे आए जैनिज्म, समरी दे रहा हूँ भाई पच्चे ले ले, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर आए हम लोग, जैनिज्म बुद्धिज्म पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। देन हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े अपनी कहानी में, थोड़ा सा और आगे बढ़े और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के तरफ आए। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के तरफ जब हम आए तो हमने दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कुछ डायनेस्टीज देखी, सैयद लोधी देखी कि नहीं देखी। देन उसके बाद हम मुग़ल सल्तनत पे आए, मुग़ल सल्तनत पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। देन कारवा थोड़ा सा और आगे बढ़ा, अब कारवा आगे बढ़ा तो हमने विजयनगर और बहामनी किंगडम के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। देन अभी ये पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास के ऊपर क्वेश्चन हमने देखे, भक्तिज़्म सूफिज़्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने देखे। तो आपकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है वो ये बनती है कि सर आपने जितने भी टॉपिक्स हमको पढ़ाए, हमारा वो काम बनता है कि हम उसको एक बार रिवाइज़ करें, हमारा ये काम बनता है कि हम एनसीईआरटी एक बार पढ़े। क्योंकि एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम्स थोड़ी सी आगे बढ़ गई है ड्यू टू इलेक्शंस, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो आपको भी समय मिल गया, इसका तो जश्न होना चाहिए कि तैयारी होनी चाहिए। बेटा जश्न बाद में मनाना, पहले क्या कर ले, तैयारी कर ले। 16 जून को आपका पेपर है, 26 जून से सीधा 16 को आ गया पेपर, तो थोड़ी सी अभी मेहनत कर लो। मराठा कॉन्फेडरेसी देखा हमने, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, भक्तिज्म, सूफिज्म, ये सभी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। देन हमारा जो अगला स्टेप है, जो मोडस ऑपरेंडी, सर कैसे ऑपरेशन करने वाले हैं, अब ऑपरेशन ऐसा रहेगा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा, तो मॉडर्न स्टार्ट हो उसके पहले ही बेटा आप एंशंट और मेडिवल को पढ़ के पट से क्या कर दो, ख़त्म। अब हमको स्पेक्ट्रम के ऊपर भिड़ना है, पढ़ना है, जा रहा है दिमाग में। पेनेट्रेशन देखेंगे यूरोपियन का, PDEF, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। देन उसके बाद एक्सपीडिशंस देखेंगे, कैसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया है। क्राउन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन रह गए, कुछ एक्ट के ऊपर क्वेश्चन रह गए। एक्ट अभी, एक्ट अगर सर करा देते हैं आपको आयुष सर, तो हम देखेंगे एक्ट के ऊपर क्वेश्चन लाना चाहिए क्या, क्योंकि कल से आपका पॉलिटी भी स्टार्ट हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है पॉलिटी, तो हो सकता है उसमें आपको एक्ट वगैरह देखने को मिल जाए। लेकिन अब जो मेजर सीरीज हमारी रहने वाली है वो कंटिन्यूएशन में चलेगी, बहुत ही ताबड़तोब तरीके से 8 से 10 लेक्चर, जो कि रहने वाली है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड देयर क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को ये दो तो गया होगा दिमाग में, अरे हो जा, अरे हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। आई होप आप सभी के दिमाग में ये चला गया होगा थोड़ा सा, तो भी मैं समझ सकता हूँ। तो जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ मिलेंगे। हमने पल्लवास, चालुक्यास देखा, हमने दिल्ली सल्तनत देखा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का, अरे देखा कि नहीं देखा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। देन उसके बाद मैंने हमारे बच्चों को विजयनगर एंड बहामनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस दिया। देन हमने मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज, जब द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। देन आज हमने क्वेश्चंस किए
पल्लवाज राष्ट्र पालाज प्रतिहाराज राष्ट्रकुताज, देन उसके बाद हमने किया भक्तिज्म एंड सूफिज्म मूवमेंट. सर ख़त्म हो गए लेक्चर्स, लेक्चर्स ख़त्म नहीं हुए, आपकी सीरीज़ ऑन रहेगी. कल से हम लोग पॉलिटी देखेंगे, साथ ही साथ इफ अगर टाइम अलाउ करता है तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी सीरीज़ आपके लिए डाल देंगे. इनडायरेक्टली सर का कहना यही है, भाई पेपर की प्रैक्टिस कर, सभी सब्जेक्ट स्टैटिक्स सब्जेक्ट बना ले, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी, ये चार हो गए ना, स्टैटिस्टिक्स ये चार हो गए, समझ जाना दिमाग से एक टेंशन थोड़ा सा कम हो गया है. देन उसके बाद तू साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स ये सब के ऊपर ध्यान दे. करंट अफेयर्स पे बेटा आप अगर ध्यान नहीं दोगे थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है. सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. सर आज क्यों बता रहे हैं, आज इसलिए बता रहा हूँ दो सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब जब स्टार्ट करूँगा तो मॉडर्न से पढ़ाना चालू करूँगा, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर ले रहे हैं कि कैसे मोडस ऑपरेंडी हमारी रहने वाली है. इफ अगर आप सोच रहे होगे सर अभी पढ़ना चालू करते हैं, दो महीने में प्रीलिम्स क्लियर, स्वामी विवेकानंद हो आप, स्वामी विवेकानंद हो आप, पॉसिबल नहीं है. वो जो बोलते हैं ना दो महीने में क्रैक किया, बेटा बहुत पुरानी मेहनत होती है उनकी उसके पीछे, उनको बेसिक्स पता होता है, तुमको यहाँ बेसिक्स ही नहीं पता और तुम बोलोगे मैं मेंस सॉरी मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मतलब है क्या? यू शुड नो ना, बेसिक आपको आना चाहिए. तो बेसिक पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पकड़ो, वो कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद रेफरेंस बुक उठाओ वो पढ़ लो, देन आपको जब लगता है कि नहीं मैं इनफ हूँ अब पेपर देने के लिए, देना भाई मैं रोक रहा हूँ, मैंने हथकड़ी लगाई है क्या, नहीं ना दे सकते हो आप. तो ये सीरीज़ होती है हमारी ख़त्म यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़. तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से तैयारी करो, कुछ भी डाउट्स अगर आपको रहते हैं आकार फाउंडेशन आपके लिए यहाँ पे खड़े भी हैं बैठे भी हैं, खड़े रह के पढ़ाने के लिए मैं हूँ, हमारा एडमिन है आपके साथ, सब आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. आइए अपना एडमिशन कराइए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूती दीजिए, है ना. तो चलो अब मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. चलो बाय, पढ़ाई में ध्यान दो, प्रीलिम्स की तैयारी. बाय बाय, गुड नाइट.